हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पावर सप्लाई बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये जो है वेरिएबल पावर सप्लाई है, इसमें हम करंट को और वोल्टेज को अपने अनुसार सेट करके अलग अलग टाइप के अप्लायंस को चला सकते हैं। डीसी मोटर हो या एलईडी लाइट, हर टाइप के डीसी मोटर एलईडी लाइट इससे चल जाता है। और आप इसे लिथियम आयन बैटरी हो या फिर लेड एसिड बैटरी हो, सब बैटरी इससे चार्जिंग हो जाता है, क्योंकि ये 10 एम्पीयर का है। तो गाइस, इस पावर सप्लाई को ओनली मैंने 800 रुपए के अंदर बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ऑनलाइन प्राइस कितना होता है मैं आपको अमेजोन से चेक कराता हूँ। तो अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे या फिर ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको कितना रुपए प्राइस मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, 7,500 रुपये, 8,000 रुपये, यहाँ तक कि 9,000 रुपये तक का पावर सप्लाई मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने इसे घर पर ही बना लिया है। और इसमें सारे फीचर मिल जाता है जो कि उस मार्केट वाले पावर सप्लाई में मिलता है। ये भी 36 वोल्ट 10 एम्पीयर का पावर सप्लाई है। तो गाइस, इसे मैंने कैसे बनाया है, चलो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो गाइस, वेरिएबल पावर सप्लाई बनाने के लिए मुझे मस्त सा चीज़ मिला है। तो ये है गाइस कंप्यूटर का UPS, इसे मैंने कबाड़े के दुकान से खरीद कर लाया और ये मुझे कबाड़े के भाव मिला है 50 रुपये का। तो ये मैंने दोनों पीस को लगभग 6 महीने पहले से खरीद कर रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था ये ना मेरा किसी न किसी प्रोजेक्ट में काम आएगा। दोनों बेचारे काफ़ी दिन से कोने में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इनका ही यूज़ करके वेरिएबल पावर सप्लाई बना लिया जाए। इनका रीयूज़ भी हो जाएगा और मेरा काफ़ी सारा पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ये मैंने दोनों UPS को खोल लिया, इसके अंदर सभी सामान है, जैसे कि इसका ट्रांसफार्मर और PCB, बस बैटरी नहीं है, क्योंकि बैटरी को कबाड़ी वाले अलग से बेच चुका था, इसलिए मुझे सस्ते में मिला। गाइस, इस UPS के हम दो चीज़ का यूज़ करेंगे, इसका जो प्लास्टिक का बॉडी है इसका यूज़ करेंगे और इसका ट्रांसफार्मर यूज़ कर मैं इस पावर सप्लाई को बनाऊंगा। लेकिन गाइस, इस ट्रांसफार्मर में एक दिक्कत है, 6 वोल्ट का होता है, 6 वोल्ट 10 एम्पीयर का। तो हम पावर सप्लाई बना रहे हैं 36 वोल्ट का, तो यहाँ पर दिक्कत हो गया। मैंने काफ़ी शॉप पर ढूंढा 36 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, ऑनलाइन भी ढूंढा तो नहीं मिला मुझे। तो मैंने सोचा कि इस ट्रांसफार्मर को ही मॉडिफाई किया जाए, तो मैंने इस बड़े वाले ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई करके 36 वोल्ट का बना दिया है। इस ट्रांसफार्मर को खोल करके मैंने इसमें कॉपर का वाइंडिंग किया है। मैंने कॉपर वायर लगभग 200 रुपये का लाया था, उसमें थोड़ा सा बच भी गया था और काफ़ी अच्छे से वाइंडिंग हो गया है। तो अगर आपको भी सीखना है वाइंडिंग करना और इसके वोल्टेज को बढ़ाना, तो मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वाले ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करके दिखा दूंगा, इसे 12012 का ट्रांसफार्मर बनाकर दिखाऊंगा। और गाइस, अगर आपको पुराना UPS नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप जो है 12012 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। 12012 ट्रांसफार्मर यूज करते हो तो आपका पावर सप्लाई 28 वोल्ट का बनेगा। तो अभी मैं इस UPS का जो बॉडी है इसका भी यूज करूंगा, तो इसके अंदर देख सकते हो काफी ज्यादा धूल मिट्टी भरा हुआ है, तो मैं इसे सबसे पहले तो अच्छे से क्लीन कर लेता हूं। गाइस, ये देखो काफी अच्छे से मैंने इसे क्लीन कर लिया और इस डब्बे में मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, जैसे कि इसमें कूलिंग के लिए मैं फैन लगाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर होल किया है। इस पुराने SMPS में जो होल दिया था ना फैन का, उसी को मार्किंग करके मैंने यहाँ पर कट कर लिया। इसे मैंने कैसे काटा है आगे वीडियो में बताऊंगा। और पीछे में जो प्लग लगाने के लिए सॉकेट था ना, उसे भी मैंने PVC शीट लगा करके अच्छे से भर दिया है। तो अब गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के कनेक्शन पर आते हैं। तो ये मैंने जो ट्रांसफार्मर UPS से निकाला था और मॉडिफाई किया था ना, इसमें अब वायरिंग करना सीखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका कनेक्शन बताऊंगा। इस ट्रांसफार्मर में जो ग्रीन और ब्लैक कलर का वायर है, ये 220 वोल्ट का वायर है, तो इसमें मैं एक फ्यूज जोड़ देता हूँ, 1 एम्पीयर का यहाँ पर मैं फ्यूज लगा रहा हूँ, तो इससे जो है ट्रांसफार्मर का जलने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आप भी कोई ट्रांसफार्मर से प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें फ्यूज जरूर से लगाना। गाइस, ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ करने के लिए मैं एक स्विच भी लगा रहा हूँ, तो स्विच के एक वायर को मैं ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले वायर से सोल्डिंग कर देता हूँ इस टाइप से। अब मैं एक सॉकेट ले रहा हूँ इस टाइप का, तो ये मैंने पुराने SMPS में से निकाला था, तो इसमें मैं सोल्डिंग कर देता हूँ स्विच के दूसरे वायर को। और जो येलो कलर का वायर है जो कि फ्यूज का है, इसे भी मैं सोल्डिंग कर देता हूँ दूसरे पॉइंट पर। तो गाइस, ये AC साइड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब DC साइड पर आते हैं, जहाँ पर हमें जो है स्टेप डाउन वोल्टेज मिलेगा 36 वोल्ट। तो यहाँ पर AC करंट आता है, तो इसे DC में बदलने के लिए मैं ब्रिज रेक्टिफायर लगाऊंगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर बना बनाया हुआ मिल जाता है मार्केट में। अगर आपको ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर नहीं मिलता है, तो आप इस टाइप के जो है 6 एम्पीयर का डायोड आता है, इससे भी ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये वाला 10 एम्पीयर का ब्लैक कलर का ब्रिज रेक्टिफायर इसका यूज करूंगा। और साथ में मैं एक 50 वोल्ट 10,000 UF का कैपेसिटर भी लगाऊंगा इस पावर सप्लाई में। ये नहीं मिलता है तो आप 50 वोल्ट 4700 UF का कैपेसिटर भी लगा सकते हो। गाइस, इस 10 एम्पीयर के ब्रिज रेक्टिफायर में देख सकते हो कौन सा लेग किसका है, इसमें सिंबल दिया गया है, तो वो देखकर हमें वायरिंग करना है। तो इस कैपेसिटर का जो ये व्हाइट वाला पट्टी होता है ना, ये माइनस वाला होता है और दूसरा लेग प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस को देख करके मैं ब्रिज रेक्टिफायर को सोल्डिंग कर देता हूँ फटाफट से। और गाइस, ट्रांसफार्मर का जो ब्लू और रेड वायर है ना, इसे मैं ब्रिज रेक्टिफायर के AC वाले लेग पर सोल्डिंग कर देता हूँ इस टाइप से। इसमें
उसमें लिखा हुआ था, तो उसके हिसाब से मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ। अब मैं दो स्टेप के एक्स्ट्रा वायर लेकर के इसे ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस माइनस पर सोल्डिंग कर देता हूँ। गाइस इन दोनों वायर से हमें 36 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलेगा। ये बन गया एसी डीसी कन्वर्टर। तो गाइस फटाफट से अब मैं ट्रांसफार्मर को इस यूपीएस के डब्बे के अंदर फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा पहले से जगह बना रखा था, तो स्क्रू की मदद से मैंने अच्छे से टाइट करके यहाँ पर ट्रांसफार्मर को लगा दिया है। अब गाइस बक कन्वर्टर पर आते हैं। मेरे पास कई टाइप के बक कन्वर्टर मॉड्यूल है, जैसे कि ये 20 एम्पियर का बक कन्वर्टर मॉड्यूल, और ये जो है 10 एम्पियर का बक कन्वर्टर है, और ये छोटा वाला 5 एम्पियर का बक कन्वर्टर है। इस वाले वेरिएबल पावर सप्लाई में मैं 10 एम्पियर का बक कन्वर्टर लगाऊंगा। इसे मैंने 350 रुपए में खरीदा था, ऑनलाइन ही खरीदा है मैंने भी, तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ मैं ये वोल्ट एम्पियर मीटर भी लगा रहा हूँ, इसका प्राइस मुझे पड़ा था 180 रुपए। इस वोल्ट एम्पियर मीटर को मैं डब्बे के यहाँ पर लगाने वाला हूँ, और नीचे में ऑन ऑफ स्विच लगाने वाला हूँ। तो इन दोनों के साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पर मार्कर से मार्किंग कर लिया। यहाँ पर होल बनाने के लिए मैंने इस टाइप से डीसी मोटर का जुगाड़ बना लिया, तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर होल कट कर लेता हूँ। और गाइस इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बनाकर दिखाऊंगा, एक बढ़िया सा ड्रिमल टूल जिसके मदद से आप प्लास्टिक और पीवीसी शीट को अपने अनुसार किसी भी डिजाइन में कट कर सकते हो। तो वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसी टूल की मदद से गाइस मैंने फैन का जो डिजाइन है इसे भी कट किया था, तो काफी अच्छे से कट हुआ था। गाइस ये देख सकते हो काफी सारे होल मैंने बना दिया, और सैंड पेपर से उसे अच्छे से फिनिशिंग भी कर दिया। तो फटाफट से मैं इसमें डिस्प्ले को और स्विच को अच्छे से फिट कर देता हूँ। अब दोस्तों ये मैं बक कन्वर्टर को ले लेता हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। इसमें जो आईसी लगा है 40-16 IC, इसमें 5 एम्पियर से ज्यादा का लोड देते हैं ना, तो हीट होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो हीट सिंक दिया है वो काफी छोटा सा है, तो इसके बजाय मैं ये बड़ा वाला हीट सिंक यहाँ पर लगाऊंगा, जिससे आईसी जो है काफी अच्छे से ठंडा हो पाएगा। तो उस आईसी को निकालूंगा और इन दोनों पोटेंशियोमीटर को निकालूंगा, और बीच में दोनों कैपेसिटर के बीच में एक एलईडी लाइट लगा है ब्लू कलर और रेड कलर का, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। तो ये तीनों चीज को मैं सोल्डिंग आयरन से अच्छे से निकाल लेता हूँ। गाइस ये देख सकते हो काफी अच्छे से मैंने आईसी को और दोनों पोटेंशियोमीटर को बाहर निकाल लिया है। तो अब गाइस मैंने यहाँ पर क्या किया है देख सकते हो, आईसी में मैंने एक्स्ट्रा वायर जोड़ करके पहले जैसा इसमें कनेक्शन था ना उसी टाइप से यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, और पीछे साइड में सोल्डिंग भी कर दिया है। तो ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हीट सिंक को मैं दूर में लगाने वाला हूँ, और हीट सिंक के साथ मैं एक 12 वोल्ट का फैन भी लगाऊंगा। अब दोस्तों ये दोनों पोटेंशियोमीटर जो हमने बक कन्वर्टर से निकाला है इसका वैल्यू है 10K। तो इस पोटेंशियोमीटर में थोड़ी दिक्कत होती है वोल्टेज सेट करने में, तो इसलिए गाइस मैं बड़ा वाला पोटेंशियोमीटर यूज करूंगा जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पहले जैसे ब्लू कलर का पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लगा था ना सेम उसी टाइप से इस नॉर्मल वाले पोटेंशियोमीटर का वायरिंग करना है। इसमें 3 वायर था और उसमें भी 3 वायर था, तो पहले की जैसा मैंने दोनों 10K के पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर सोल्डिंग करके लगा दिया है, और जो रेड और ब्लू कलर का एलईडी लाइट था उसका भी वायर लंबा कर लिया। तो अब गाइस हीट सिंक में मैं थोड़ा सा हीट सिंक पेस्ट लगा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आईसी को यहाँ पर नट के द्वारा अच्छे से टाइट करके लगा दूंगा। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका हमारा बक कन्वर्टर का मॉडिफिकेशन। अब इसमें हीटिंग का कोई इश्यू नहीं रहेगा, काफी अच्छे से अब हमारा बक कन्वर्टर वर्क करेगा। दोस्तों इस बक कन्वर्टर का कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, इसके बैक साइड में लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट का प्लस माइनस कहाँ पर कनेक्टर होगा, तो इसके अनुसार से मैं इसमें वायरिंग करूंगा। दोस्तों अब जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो रेड और ब्लू कलर का वायर है इसे हमें इनपुट का जो है प्लस माइनस में जोड़ देना है। तो रेड जो है प्लस वायर है और ब्लू कलर का माइनस वायर है, तो इसे फटाफट से मैं इनपुट के प्लस माइनस में जोड़ देता हूँ। अब दोस्तों आउटपुट के बीच में हमें वोल्ट और एम्पियर मीटर का कनेक्शन करना है, तो इसमें टोटल 5 वायर दिया है, दो मोटा मोटा साइज का रेड और ब्लैक वायर दिया है। ये दोनों वायर जो होता है एम्पियर चेक करने के लिए होता है, और 3 छोटा छोटा जो पतला पतला वायर दिया इसमें का रेड ब्लैक जो वायर है वो डिस्प्ले को चलाने के लिए, जिसमें हमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देना होगा, और जो पीला कलर का वायर है सिग्नल का वायर है। तो अब गाइस इसका कनेक्शन करके आप दिखाता हूँ, जो मोटा मोटा रेड और ब्लैक वायर दिया है ना इसके ब्लैक वायर को मैं आउटपुट के माइनस में लगा दूंगा स्टेप से, और यहाँ पर सोल्डिंग करने की जरूरत नहीं है, स्क्रू सिस्टम है। दोस्तों वोल्ट एम्पियर मीटर का जो रेड वायर है बड़ा सा मोटा वाला, ये जो है आउटपुट का नेगेटिव वायर बन चुका है, इसके कलर पर मत जाना, ये रेड होते हुए भी इसमें जो है आउटपुट जो है नेगेटिव मिलेगा। अब दोस्तों मैंने एक एक्स्ट्रा रेड कलर का वायर ले लिया, तो इसके साथ मैं जो है डिस्प्ले का येलो कलर का वायर था ना सिग्नल वायर उसे भी जोड़ दूंगा, और इन दोनों वायर को मैं जो है बक कन्वर्टर के आउटपुट के प्लस में जोड़ दूंगा। और यहाँ पर आउटपुट का नेगेटिव वायर कौन सा है यह पता चले इसलिए मैं यहाँ पर एक टेप भी चिपका देता हूँ, बाद में कनेक्शन करते समय आसानी होगा। दोस्तों अब एक छोटी सी दिक्कत है, ये वोल्ट मीटर और फैन दोनों 12 वोल्ट से चलता है, तो 12 वोल्ट हमें इसे देना होगा कहीं से, तो डायरेक्ट हम ट्रांसफार्मर से देंगे तो खराब हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर आउटपुट 36 वोल्ट मिल रहा है, तो इसलिए इसमें
72 वोल्टेज रेगुलेटर ऐसी का यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप जो है वोल्टेज डाउन मॉड्यूल आता है ना उसका भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही रहेगा। मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैं इस 72 IC का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इस IC का ये दोनों वायर आउटपुट का 12 वोल्ट का वायर है और ये दोनों इनपुट का 36 वोल्ट का वायर है। दोस्तों अब इस वोल्टेज रेगुलेटर IC का जो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर है उसे मैं डिस्प्ले और फैन के नेगेटिव पॉजिटिव वायर के साथ डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। इसके बाद जो इनपुट का वायर है जहाँ पर हमें 36 वोल्ट देना होगा IC को, उसे हमें डायरेक्ट जो ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस है ना वहाँ पर जोड़ देना इस स्टेप से। तो गाइस हमारा सारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है, अब बस इसे असेंबल करने की देरी है। तो अब गाइस जो फैन लगाने के लिए जहाँ पर मैंने पहले होल किया था उस जगह पर फैन को लगा देता हूँ और इसके ऊपर में जो हीट सिंक है इसको भी लगा देता हूँ। यह है रेड और ब्लैक कलर का बनाना प्लग। इसके दोनों सॉकेट को मैं पावर सप्लाई के नीचे में लगाने वाला हूँ इस स्टेप से। अब इनके कनेक्शन पर आते हैं। तो आउटपुट का जो पॉजिटिव वायर है इसे रेड वाले बनाना सॉकेट के साथ सोल्डिंग करना है और आउटपुट के नेगेटिव वायर को ब्लैक वाले बनाना प्लग के साथ सोल्डिंग कर लेना है। गाइस फाइनली लैब बेंच पावर सप्लाई का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कनेक्शन समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं लास्ट में आपको कनेक्शन डायग्राम भी देने वाला हूं, तो उसे देखकर आप आसानी से इसकी वायरिंग कर सकते हो। दोस्तों फाइनली हमारा लैब बेंच पावर सप्लाई बनकर रेडी है, बस इसके ढक्कन को और स्क्रू टाइट करके इसे अच्छे से पैक कर लेना है। और पीछे में जो थोड़ा सा PVC शीट लगाया था ना वो गंदा दिखाई दे रहा है, कलर अलग है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्प्रे पेंट करके इसे अच्छे से चमका दूंगा। तो भाई अब देखो लग रहा है ना एकदम मार्केट में मिलने वाला वेरिएबल पावर सप्लाई की तरह, तो वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पर। और गाइस चलो अब फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं, आपको कैसा लग रहा है पावर सप्लाई कमेंट पर बताना। अब दोस्तों इस वेरिएबल पावर सप्लाई को चला करके दिखाता हूं, तो इस टाइप का पावर कोड पीछे में लगता है, तो इसे मैं 220 वोल्ट के साथ जोड़ दूंगा। अब इसका मैं स्विच ऑन कर लेता हूं, तो ये देख सकते हो डिस्प्ले ऑन हो चुका है और ऊपर का जो फैन है ना ये भी काफी अच्छे से चल रहा है, तो इसे IC वगैरह हीट नहीं होगा। अब दोस्तों बनाना प्लग को भी यहाँ पर लगा देते हैं ताकि DC मोटर वगैरह की टेस्टिंग कर सके। इससे पहले गाइस मैं इस पावर सप्लाई का आपको मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज चेक कराता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो डिस्प्ले में वोल्टेज डाउन होते जा रहा है, तो यहां पर मैंने कम कर दिया है। सबसे कम इसमें वोल्टेज मिलेगा आपको 1.1 वोल्टेज जो कि मिनिमम है। अब इसका मैक्सिमम वोल्टेज आपको चेक कराता हूं, तो मैंने फुल कर दिया, 36 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज है। अब मैं इस लैब बेंच पावर सप्लाई का पूरा MPR चेक करके दिखाता हूं। तो यहां पर दोनों लीड को मैंने शॉर्ट कर दिया और डिस्प्ले में आप देख सकते हो MPR पूरा 10 का 10 MPR बाहर निकाल रहा है, तो इससे आप काफी अच्छे से हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को चला सकते हो। फ्रेंड्स अब इस वेरिएबल पावर सप्लाई से मैं आपको कुछ चलाकर दिखाता हूँ। ये मेरे पास बाइक का लाइट है जो कि हैलोजन बल्ब है 12 वोल्ट 40 वाट का, तो इसे चलाकर देखते हैं, बहुत ज्यादा करंट खींचता है। तो देख सकते हो डिस्प्ले में कितना ज्यादा MPR खींच रहा है, लेकिन गाइस हमारे पावर सप्लाई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यह 10 MPR तक का लोड ले सकता है। अब कुछ DC मोटर चलाकर देखते हैं इस पावर सप्लाई से। तो मेरे पास 775 मोटर है और 555 DC मोटर भी है और एक छोटा सा ड्रोन मोटर है, तो ड्रोन मोटर को पहले चलाकर देखते हैं। 4 वोल्ट से चलेगा इसलिए मैं 4 वोल्ट सेट कर लेता हूं। तो देख सकते हो काफी हाई स्पीड से घूम रहा है मोटर, इसका तो पंखा ही उड़ गया। तो आप इससे छोटा सा छोटा मोटर चला सकते हो और बड़ा सा बड़ा 36 वोल्ट तक का मोटर चला सकते हो। तो ये 775 मोटर देख सकते हो अभी 3 वोल्ट से चल रहा है, तो इसका वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा तो इसका स्पीड भी बढ़ते जाएगा, आप सुन सकते हो। अभी ये मोटर 12 वोल्ट से चल रहा है, अभी इसे थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं। ये तो फुल हो गया था, कितना ज़्यादा हाई स्पीड में घूमा आप देख सकते हो आवाज़ सुनकर ही, तो कम कर देता हूँ नहीं तो ये मोटर जल जाएगा। इस वेरिएबल पावर सप्लाई से DC मोटर वगैरह चलाने के अलावा आप कोई भी बैटरी इससे चार्जिंग कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास 1850 लिथियम आयन बैटरी है, तो इसका हम कई बार बैटरी पैक बनाते हैं तो उसमें इस टाइप का BMS लगाना पड़ता है उसे सेफ तरह से चार्जिंग करने के लिए। लेकिन इस वेरिएबल पावर सप्लाई से चार्जिंग करते हैं तो इसमें प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, बैटरी ओवर चार्ज नहीं हो जाएगा, मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो अभी मैंने 3 बैटरी को यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, 12 वोल्ट का बैटरी बना दिया है। एक लिथियम आयन सेल का फुल चार्जिंग वोल्टेज होता है 4.2 वोल्टेज, तो यहाँ पर मैंने 3 बैटरी को सीरीज में किया है इसलिए 4.2 × 3 करते हैं तो 12.6 वोल्टेज इस बैटरी पैक को देना होगा सेफ तरह से चार्जिंग करने के लिए। यहाँ पर मैं वेरिएबल पावर सप्लाई में 12.6 वोल्ट सेट कर देता हूँ और बैटरी के प्लस माइनस में दोनों लीड को लगा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बैटरी MPR लेना शुरू हो चुका है और रेड कलर का लाइट भी नीचे जल रहा है, जैसे ये बैटरी फुल चार्ज होगा ये रेड लाइट जो है ब्लू कलर में बदल जाएगा और ये पावर सप्लाई बैटरी को MPR देना बंद कर देगा, जिससे बैटरी जो है ओवर चार्जिंग से बचेगा और काफी दिन तक चलेगा। और आप चाहो तो सिंगल लिथियम आयन बैटरी को भी चार्जिंग कर सकते हो, बस उसका चार्जिंग वोल्टेज सेट करना है और वो बैटरी जितने MPR का है उसका लगभग 20% ही उसे MPR देना है, तब जाकर वो बैटरी अच्छे से चार्जिंग होगा और वो बैटरी में कोई भी हीटिंग का इशू नहीं रहेगा। इस वेरिएबल पावर सप्लाई की मदद से आप हर टाइप के लिथियम आयन बैटरी हो या लेड एसिड बैटरी हो उन्हें चार्जिंग कर सकते हो, जैसे कि ये मेरे पास लेड एसिड बैटरी है 7 MPR का, ये भी काफी अच्छे से चार्जिंग हो जाता है। वैसे तो ये वेरिएबल पावर सप्लाई 100 MPR तक का बैटरी चार्जिंग कर सकता है, कार की
बैटरी हो या बाइक का बैटरी, आप उन्हें भी चार्जिंग कर सकते हो। और कुछ दिन पहले मैंने एक ड्रिल मशीन का बैटरी बनाया था, लिथियम आयन बैटरी, तो अभी आसानी से चार्जिंग हो जाता है। मैं तो इसी से अब चार्जिंग करूँगा, मेरे पास इसका चार्जर भी नहीं था पहले, तो मैं थोड़ा सा अलग जुगाड़ से इसे चार्जिंग करता था। ये ऑल इन वन बैटरी चार्जर, इसे हर टाइप का बैटरी जो है चार्जिंग हो जाता है। अगर आप भी मेरी तरह अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनाते हो तो इस टाइप का पावर सप्लाई आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए आप भी ज़रूर से बनाना। और ये 1000 रुपये के अंदर बन जाता है, मेरा तो वैसे 800 रुपये में बन गया ये, तो ज़रूर से बनाना गाइस। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको इसका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सीखना है तो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करके दिखा दूंगा। और इसका कनेक्शन डायग्राम ये रहा, तो इस कनेक्शन डायग्राम को देख करके आप इसका कनेक्शन कर सकते हो।